इंग्लिश द पी एस टेट 2023 दे क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। पिछे एक वीडियो पब्लिश किया है जिस विच इंग्लिश पैरे नू सॉल्व करन दियां स्ट्रैटेजीज नू कंबाइन करके किस तरह यूज करना है, पैरा पढ़े बिना तां मैक्सिमम सक्सेस हासिल हो सकती है, पर इस विच असी 30 MCQs वरतन लगे हाँ। इत्थे मैं इस दा एनालिसिस इस तरह करता हाँ, एक मिनट जरा। इत्थे असी टोटल 30 MCQs ने साडे कोल, 30 MCQs दा एनालिसिस तुहाडे कोल है। 30 MCQs दे विच वर्ड्स ऑप्शन जिहड़ियां हन, ऑप्शन वन वर्ड वाले किन्ने क्वेश्चन हन, मेरे कोल लिखिया होया है ए टोटल 14 क्वेश्चन सी, 14 क्वेश्चन, और जिन्हां दे टू वर्ड्स सी ऑप्शन विच, टू वर्ड्स मैं थोड़ा जिहा दिखा दूं तुहानू, मैं पेपर दिखा दां। ए वन वर्ड वाले है, ये देखो एग्जाम्पल साढ़े कोल, ए वन वर्ड तो ज्यादा वाली एग्जाम्पल है, एक दो तीन चार शब्द ने, ए लोंग टेल इसनू कहांगे, लोंग टेल, बस लोंग टेल ए है विद ऑल ऑफ अबव, ये मैं अगे जाके दसदा हाँ नुक्ते किदां अपलाई होने हैं। वन वर्ड हो गया, वन वर्ड तो इलावा किते किते बहुत घट है जिथे टू वर्ड्स भी होंगे, इत्थे तीन वर्ड्स है लोंग टेल इच्चो मिलेगी, आ लोंग टेल मिल रही है, ये वन वर्ड है लोंग टेल नहीं मिलेगी। इस तरह मैं इत्थे समझा रहा हाँ बोर्ड ते तुहानू कि ऑप्शन वन, ऑप्शन जिन्हां विच वन वर्ड है वो इंग्लिश विच पी एस टेट 2023 विच 14 शब्द मिले हैं, 14 क्वेश्चन मिले हैं, 14 क्वेश्चन, और टू वर्ड्स वाले मेरे को तीन हैं, और दो तीन चार इन्हों मिला के जे देखिए 13 बंदे हैं क्वेश्चन, जिन्हां दे तीन या तीन तो ज्यादा वर्ड हैं, इन्हों मैं सारियां लगभग लोंग टेल विच रख रहा हाँ, लोंग टेल, और इन्हों लोंग टेल लिए वन वर्ड च रख रहा हाँ। नुक्ते किदां सॉल्व किदां होए मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन, जिहड़े वन वर्ड वाले ने उन्हां ते स्ट्रैटेजीज किहड़ियां अप्लाई हो रही है। नंबर एक तुसी रीजनिंग यूज करते हो, प्रीवियस नॉलेज रीजन, जे उहना सॉल्व नहीं हुंदा तुसी ऑड मैन आउट करते हो, ऑड मैन आउट, जे उसना भी सॉल्व नहीं हुंदा तुसी दो ओपोजिट मीनिंग, जे तो दो ओपोजिट मीनिंग दो शब्दों के मिल रहे हैं उन्हां दे विच राइट आंसर हुंदा है, ये नुकता है। जे दो सिमिलर मीनिंग है तां उहदे विच राइट आंसर मैनू कोई नहीं मिलिया, इट मीनस जे सिमिलर मीनिंग दोवां दे मिलदे उस ऑप्शन नू रिजेक्ट करना है। ये 14 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हुंदे हन। अच्छा, बाकी दे 16 क्वेश्चन जिहड़े ने 13 जमा 3, ये क्वेश्चन अप्लाई किया गया नुकता के लोंग टेल लई, लोंग टेल अप्लाई किया, तो ये 16 दे विच्चों 14 क्वेश्चन लोंग टेल वाले ठीक निकले हैं। हिट मीनस जे बिना पढ़े लोंग टेल वाले नू टिक किया जाता इस पेपर विच, ते 14 देखो प्रोबेबिलिटी किन्नी ज़्यादा है। पर नाल दूसरा जे लोंग टेल है ते पर नाल ऑल ऑफ द अबव है, लोंग टेल है तीन लोंग टेल है, फॉर एग्जाम्पल ए क्वेश्चन की ऑप्शन है एडी, दूसरी एडी, तीसरी एडी है ना, एक वर्ड नहीं है, चार शब्द, पांच शब्द, छे शब्द, लास्ट से ऑल ऑफ द अबव है, ऑल अबव, तो मैं राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव नू चुनिया तो राइट निकलता है। ठीक, जे इस दी जगह ते फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द अबव दी जगह ते मेरे कोल ए नहीं हुंदा, इहदी जगह ते बोथ आ रहा है, किते बोथ आ रहा है, मतलब पहला ते दूजा, तीजी दी जगह ते बोथ लिखिया होएगा और चौथी ऑप्शन दित्ती होएगी, फिर मैं बोथ नू जो प्रैफर किया तो राइट आंसर निकलिया। मैं एनालिसिस दसदा हाँ, टोटल जेडे है मेरे कोल ऑल अबव वाले दो क्वेश्चन आए, दो चो दो ही ऑल ऑफ अबव ठीक है, इट मीनस सानू दो ऑल ऑफ अबव नू प्रैफर कर लेना चाहिए है। बोथ वाले जिन्ने क्वेश्चन आए, थोड़े क्वेश्चन आए ने, एक ही आया वैसे, एक वाला वो एक ही ठीक है, क्यों मैं नुकता क्यों बना रहा हाँ, एक तो नुकता नहीं बन सकता क्योंकि मैं पंजाबी ते बाकियां दे एनालिसिस भी किए हैं, बोथ और ऑल ऑफ द अबव दे राइट आंसर ज़्यादा आ रहे हैं। तीसरा है नन ऑफ दीज,
है ना, ऑल ऑफ ऑफ नू राइट देखना है, बोथ नू भी राइट करके देखना है, नन ऑफ दीज नू मैं लगभग सारिया नू रिजेक्ट किया कि ये पक्का रोंग आंसर होएगा। इस ना प्रोबेबिलिटी तीन ऑप्शन रह जांदियां, उस नू तुसी सॉल्व करना है। सो ये नुक्ते मैं कड़े ने। हुण एक अडिशनल गल है कि जेडे टू वर्ड वाले क्वेश्चन ने उन्होंने लोंग टेल वाला ज़्यादा अप्लाई नहीं होंदा, पर जो रीजनिंग नहीं चलती तो अप्लाई किया जा सकता है। जो अप्लाई किया तो रिजल्ट इस तरह है। इन्हें मेरे को टू वर्ड वाले जो लोंग टेल है 104 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन और 118 नंबर क्वेश्चन सैट बी का इस समय चक्या है, तुम खुद भी देख सकते हो। टू वर्ड वाले से लेकिन कितने तीन वर्ड से, मैं तीन वाले प्रैफर किया था, वह लोंग टेल वाला ठीक ऑप्शन निकलिया। सो मेरे ख्याल च इस एनालिसिस तो हेल्प मिलेगी। तुसी इंग्लिश दे 30 जां पंजाबी ते चलो भी अप्लाई किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसका एनालिसिस वक्रा होएगा। रिलेटेड वीडियोज TET बेसिक कोर्स विच टैग वर्ड्स दे हन, जां इस तरह के नुक्ते जिहड़े अप्लाई किए जा सकते हैं, होर नुक्ते भी हैं, वो तुसी उत्थे जाके देख सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज। डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।